हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वार्ली पेंटिंग का कोर्स। तो ये आर्ट फॉर्म महाराष्ट्र से आया है और अपने सिंपल येट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के लिए मशहूर है। इसमें बहुत ही बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स और लाइंस का यूज़ होता है, जो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल और मिनिमलिस्टिक लुक देता है। इस ड्रमर की पेंटिंग को भी आज हम बनाएंगे। तो ये 5 पार्ट का सीरीज़ है, जिसमें से आज हम देखेंगे क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, बेसिक शेप्स और बॉर्डर डिज़ाइन, और साथ ही एक कंप्लीट पेंटिंग। तो दोस्तों, वार्ली आर्ट को करने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि पेंसिल, स्केल और इरेजर। अगर आपके पास इतना है तो आप वार्ली पेंटिंग शुरू करने के लिए गुड टू गो हैं। तो जब हम पेंटिंग बनाएंगे तो हमें ये मार्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम कलर का यूज़ करते हैं जैसे वाटर कलर, तो हमें ये परमानेंट मार्कर पेन का भी ज़रूरत पड़ेगा। इसी के साथ अब हम अपना बेसिक शेप्स बनाना चालू करते हैं। तो ये बेसिक शेप्स बहुत बिगिनर्स छोड़ देते हैं, और जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ड्राइंग वो परफेक्शन नहीं आएगा आपके ड्राइंग में। तो सबसे पहले हमें गोल सर्कल बनाना है, और इसका साइज़ हम धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं। ये सर्कल का यूज़ जब हम वर्ली आर्ट में ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं तब फेस के लिए करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे साथ ये 4 से 5 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ हम दूसरे फिगर पे आ गए। ये हमें ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल का यूज़ हम अपने बॉर्डर में बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो ह्यूमन फिगर्स का बॉडी है वो भी ट्रायंगल से ही बनता है। तो ये ट्रायंगल माउंटेंस को डिपिक्ट करता है, क्योंकि वाले लोग नेचर से कनेक्टेड रहना पसंद करते थे, तो उनका जितना भी एलिमेंट्स है सारा नेचर से इंस्पायर्ड है। इसी तरह हम ये स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइंस अगर आप परफेक्ट हो गए इसमें तो ट्रायंगल बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप भी मेरे साथ ये सब बेसिक शेप्स 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और बहुत सारे बिगिनर्स इसको छोड़ देते हैं, जैसे बाद में चल के उनको बहुत दिक्कत आती है। तो ये हमने फिर स्लैंट लाइन थोड़ा बनाना चालू किया है। ये लाइंस मेनली हम हाथ और पैर बनाने में यूज़ करते हैं, वो एनिमल्स का हो या फिर ह्यूमंस का हो। तो वहाँ पर यही बस बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ हम करते हैं। तो वार्ली आर्ट की बहुत ख़ास बात है कि ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली होता है। बस सिंपल से ज्योमेट्रिक शेप्स ये पूरी ड्राइंग बन जाती है। इसी तरह हम ये सेमी सर्कल भी बना रहे हैं। तो अगर आपका ये बेसिक शेप्स क्लियर है तो मेन पेंटिंग बनाने में बहुत ही आसानी होगा, और आप अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज़ करके पेंटिंग बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा बेसिक शेप्स कंप्लीट, जिसमें से ये स्ट्रेट लाइन तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। इसी के साथ हम अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है वार्ली बॉर्डर। तो बॉर्डर्स हमारे पेंटिंग्स को एक फ्रेम जैसा शेप देगा, जिससे हमारा पेंटिंग और भी अट्रैक्टिव लगता है। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिले। फिर हमने ये ट्रायंगल बना दिया, जो हम बेसिक शेप में प्रैक्टिस करके आए हैं। फिर इसको हम मार्कर से पूरा फिल कर देंगे। आप चाहें तो वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका सारा ट्रायंगल्स एक यूनिफॉर्म विथ का नहीं बढ़ रहा है, जैसे कोई बड़ा या छोटा हो जा रहा है, तो आप स्केल से नीचे में एक और पेंसिल से लाइन खींच सकते हैं, ताकि जो आपका ट्रायंगल्स है वो उसी दोनों लाइंस के बीच में बने। इसी के साथ हमारा पहला बॉर्डर कंप्लीट, और हम अपने दूसरे बॉर्डर की ओर चलते हैं। सेम यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइंस खींचना है, और फिर ये हम ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम आउटर ट्रायंगल बनाएंगे जो थोड़ा बड़ा होगा, और उसके अंदर सेम एक और ट्रायंगल बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वार्ली पेंटिंग में ये ट्रायंगल्स और स्ट्रेट लाइंस का बहुत यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि बेसिक शेप्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस बॉर्डर को और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बढ़ा दिया। आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी लगाकर कोई सा भी बॉर्डर आप बना सकते हैं। ये जो सेकंड वाला बॉर्डर है, ये हम बहुत सारे पेंटिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लड़ी जैसा लटका दिया,
तो अगर आप किसी भगवान वगैरह का बना रहे हैं पेंटिंग, तो ऊपर में इसको आप डाल सकते हैं, ये सेलिब्रेशन टाइप लुक देगा। तो अब हम अपने थर्ड बॉर्डर में सेमी सर्कल बना रहे हैं और फिर उसके अंदर एक और सेमी सर्कल, और इस अंडर वाले सेमी सर्कल को हम लोग फिल कर देंगे। आपके पास अगर कोई कलर है तो आप उसका भी यूज़ करके इसको पेंट कर सकते हैं। फिर इसको और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमने सेम लड़ी के जैसा पैटर्न ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा पैटर्न सोचते हैं। और फिर ऊपर में हमने कॉर्ड लाइन बना दिया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने चौथे बॉर्डर्स की ओर। ये बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस हमें ऐसा कर्व पैटर्न बनाते जाना है और बीच में हम एक डॉट डालते जाएंगे। ये पैटर्न मेनली जो वॉल्स पर पेंटिंग की जाती थी उस पे ये पैटर्न दिखता है। और ये हम अपने फिफ्थ बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं। सेम हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सिर्फ ट्रायंगल से ही इतना सारा टाइप्स का बॉर्डर बन जाता है। सो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप अपने से कोई एक और नया बॉर्डर इनोवेट करके बनाइएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ेगी। तो हमारा फिफ्थ बॉर्डर भी कंप्लीट, और हम एक और लास्ट बॉर्डर देखेंगे। और आप चाहें तो इन बेसिक शेप्स का यूज़ करके ही बहुत सारा बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट बॉर्डर के लिए हमने दो पैरेलल लाइंस बनाया है और अंदर में ट्रायंगल जैसा एक शेप बना दिया है, और उसी के अंदर एक और छोटा सा ट्रायंगल हम बना रहे हैं। और फिर जो छोटा ट्रायंगल है उसको हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। और आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके उन्हीं बेसिक शेप से बहुत सारा बॉर्डर्स तैयार कर सकते हैं। और इसको मैंने अपने मार्कर से पूरा फिल कर दिया और ऊपर में एक और पैरेलल लाइंस बना दिया है, और इसी के साथ हमारा छठा बॉर्डर भी कंप्लीट। तो आज हमने टोटल 6 बॉर्डर को बनाना सीखा, जिसमें से पहला, दूसरा और ये तीसरा सबसे ज़्यादा इजी और ब्यूटीफुल है। इसको आप अपने किसी भी पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी है फाइनल पेंटिंग बनाने की। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर बनाऊंगा। इसके लिए ऊपर में एक लाइन खींच लिया हूँ एक बड़े स्केल से, और उसके नीचे एक और थोड़ी दूरी पर लाइन खींच लिया मैंने। और यहाँ पे मैं कुछ नया बॉर्डर ट्राई करने की कोशिश में हूँ, ताकि आपको एक और बॉर्डर का वेरिएशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं वही ट्राइंगल बनाऊँगा और फिर उसके अंदर कलर चेंज कर दूँगा। और अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी से कोई और बॉर्डर सोचा है तो यू आर फ्री टू यूज़ इट, आप उसका ही यूज़ कीजिएगा। इससे आपका क्रिएटिविटी और भी नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। और उसी बॉर्डर के नीचे मैं ये थीम कर्व पैटर्न बना दे रहा हूँ, वेव लाइक पैटर्न। आप इसी बॉर्डर में अपना वेरिएशन भी डाल सकते हैं, ये टोटल आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और सेम नीचे में मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। नीचे में मैं बॉर्डर नहीं बनाऊँगा पर एक जमीन टाइप बनाऊँगा, जिसमें कि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो बैठा होगा। तो इधर भी मैंने वेव लाइक पैटर्न बना दिया और उसको दोबारा से डबल आउटलाइन कर दिया है। तो ये वार्ली पेंटिंग मेनली ट्राइबल लोगों के द्वारा की जाती थी, और वो लोग बहुत मेहनती होते थे, तो उनकी मोस्टली पेंटिंग में कुछ ना कुछ आपको काम करता हुआ आपको दिख जाएगा। और अब हम अपना मेन सब्जेक्ट बनाएंगे, एक सर्कल और एक नीचे लाइन नेक के लिए। फिर सर्कल से थोड़ा सा बड़ा एक और लाइन खींचना है हमें, और ये हमें ट्रायंगल जैसा बना दिया है। याद रखिएगा कि नीचे ट्रायंगल को पूरा जॉइंट नहीं कर देना है हमें। फिर हम नीचे एक कर्व बनाएंगे एक बड़े से सी की तरह, और बीच में एक और सर्कल बना दिया है मैंने। उसी के साइड में एक और बड़ा सा सर्कल, ये मैं यहाँ ड्रम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसको वो आदमी बैठकर बजा रहा है। और ड्रम के अंदर आप जैसा चाहिए वैसा डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, ये भी टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है।
और अब मैं उसका हाथ बना दिया हूँ सिंपल दो स्ट्रेट लाइन से, और उसके हाथ में एक स्टिक पकड़ा दिया है, और फिर ये दूसरा हाथ में उसका बना रहा हूँ, और उसके ऊपर वाले हाथ में भी मैंने ये स्टिक पकड़ा दिया। ये फिगर बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्योंकि बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स का इसमें यूज़ होता है, और उसी को मैंने अब स्केच पेन से ट्रेस कर रहा हूँ। सेम ड्रम बना दिया मैं, अंदर एक बड़ा सा डॉट और ये उसका हैंड। और आप भी इस पेंटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब आप बेसिक सीख के उसको एक पेंटिंग में बनाते हैं तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, और आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। और अंदर मैंने ड्रम के अंदर कुछ पैटर्न्स बना दिया है, और इस आदमी के अंदर मैं फील कर दे रहा हूँ मार्कर से। आप चाहें तो वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो भी पेंसिल का रेसिड्यू था मैंने मिटा दिया। और ये उसका पैर मैंने बना दिया, पैर मिसिंग था तो मैं अभी बना रहा हूँ। और बहुत सारा बैकग्राउंड खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिज़ाइन बना के भर दिया जाए। आप यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सिंपल मैंने कर्व लाइंस का यूज़ किया है, और अंदर डॉट बनाया हूँ, और स्ट्रेट लाइन छोटा छोटा खींच दिया हूँ। और सेम चीज़ ऐसा हम दूसरे साइड भी बनाएंगे, एक सर्कल, उसके साइड में डॉट, फिर डबल लाइन, फिर उसके अंदर ये ट्रायंगल जैसा पैटर्न, फिर एक और आउटलाइन कर दिया मैंने। ये डिज़ाइन आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। मुझे जैसा लग रहा है, जैसा दिमाग में आ रहा है, वैसा बनाते जा रहा हूँ। और फिर भी खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डेकोरेटिव आइटम बना दिया जाए, जैसे लगे कि किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये उसमें ये आदमी ड्रम बजा। तो मैंने ऊपर में कुछ डिज़ाइनें ऐड कर दी हैं, जो लग रहा है कि जैसे कुछ लटका हुआ है, फूल वगैरह। सेम एक लाइन फिर एक सर्कल बना दिया, और ऐसा ही एक और डिज़ाइन मैं लेफ्ट साइड में ऐड कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें भी अपना वेरिएशन बना सकते हैं। और फिर मैं और थोड़ा डिज़ाइन ऐड कर रहा हूँ, एक सर्कल, फिर एक आउटलाइन, और फिर थोड़े बहुत डिज़ाइन। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का कोर्स और ये पेंटिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।